कंप्रेसर लगा रखा है और ये यहाँ से इसको कनेक्शन दे रखा है, इसमें कंप्रेसर पड़ रहा है और उधर से जहाँ लीकेज है वहाँ से कंप्रेसर निकल रहा है। इस तरह से हमने चेक किया है और हम इसको कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। ये होंडा सिटी है पेट्रोल और इसमें हमने कंप्रेसर डाला है। कंप्रेसर ये लीजिए इस तरह से गैस पहले डाल देते हैं तो गैस सारी लीक हो जाती है और लीकेज चेक करते हैं। सारा गैस वर्ड वगैरह ओपन करके और फिर यहाँ से लीजिए उधर से खोल के हमने पाइपों को, अब इनको खोलना है। ये बोल्ट खुल जाने के बाद में पाइप निकाल देंगे, कॉइल निकाल लेंगे। आ चक्कर है हेलो आदर बस हां अब खाली करो जी। अबे एक मिनट भैया, नंबर दिया था आपको हमने। तो हमें तो बताया नहीं ना, अपने वाले में क्या हुआ है? एक्सल किधर से टूटा? नहीं, कौन सा हिस्सा टूटा है एक्सल का? कुप्पा टूटा है? नहीं, एक्सल टूटा किधर से? मतलब अगर हाँ तो इसको ले आओ, हमारे पास पड़ा है।
यहाँ देखते हैं जे है यहाँ पर चला गया। हाँ जी साफ जे बन गया। हाँ तो इसको लगा लेते हैं। हाँ हाँ कितना मटे मिल लगी तेरा नहीं को पता चला ना कि तू होना कितने जाना पहले वो चेक नहीं करनी चेक नहीं चेक कर फिटिंग कर दो लीक नहीं करेगी नहीं करी मिस्त्री का नंबर स्टेरिंग लगा दे सावन पेज के दे प्लस माइनस हां ओए कला स्टेरिंग लगा देगी चली गए प्लस माइनस पेज के लिए प्लस माइनस पेज के लिए यार ते जो उन्होंने पता नहीं वाला गोल के परे मार जिनु पता नहीं ने लन करना का दूर दूर कहीं ना इशू कंप्रेशन साले हुन मैं की करा के ते नहीं ना भी तो मैं का तो ना लग सकती है ताकि बोल चलो जी हां पेज के लिए नहीं करना पाव डा फिट करना भी अंदर चल तेन तो भैन चुका कहने खुदू काम कर यार ये ग्रेवी हो जाएगा वो भी कड़ी देना यार मेरे वो बैग हमने अभी लगाया जो ये सब डैशबोर्ड कस के चेक होगा नहीं डैशबोर्ड तो बाद में लगेगा पहले चेक हो जाएगा जी अभी छोटो गुड़गड़ा में कोई चले या कोई रेजिडेंट गुड़गड़ा में दस नंबर छोटी या रेजिडेंट छोटू फिटिंग कर दी हाँ जी तो लग गया है कि इसको बाद में फिट कर लें पाइप लगा लें पाइप लगा लें नीचे चेक कर लें
सही बोलोगे अपना चेक लोगे। हेलो कूलिंग कॉइल लगा दी है लीकेज बंद करके, अब हम गैस पे कंप्रेसर डाल रहे हैं और कंप्रेसर से पड़ रहा है। नंबर है ना, पहले इसका मीटर 60 PSI से ऊपर नहीं उठ रहा था, अब जो है उठ रहा है इस टाइम। कूलिंग कॉइल ने जोड़ दी है, प्रेशर पड़ रहा है, संभावना है कि अब लीकेज नहीं होगी। लीकेज होती तो इतनी तेज से मीटर नहीं चलता, फिर भी कंप्रेसर डाल के 250 PSI पे इसको रोक देंगे और कुछ देर वेट करेंगे कि लीकेज है या नहीं ये चेक करने के लिए। अगर लीकेज होगी तो ये मीटर वापस जाएगा, मीटर किसी वापस जाएगी, नहीं तो एक ही जगह पे टिकी रहेगी अगर लीकेज नहीं होगी तो। और ये अपना 200-250 के बीच में का हुआ है, अब तो कुछ देर वेट करके देखते हैं कि इसमें लीकेज है या नहीं। लीकेज होगी तो ये सुई वापस जाएगी। हम 5 मिनट करीब वेट कर चुके हैं और मीटर सुई वहीं पे टिकी हुई है, इसका मतलब इसमें लीकेज नहीं है। अब हम इसका कंप्रेसर निकाल देंगे और गैस डालेंगे। कुल्लू मनाली के इसका सारा कंप्रेसर निकाल दिया है, लास ले बेटा, लास ले। कैन वाल कसेंगे इसमें, कैन वाल है। बैटरी के रिले को करेंगे, गैस की बोतल हम ये एसी कोयल वाली फिटिंग कर लेते हैं। ये लीकेज है नहीं, सवाल नहीं हुआ है सर जी।
लगाओ भैया लगाओ। पत्ती के तार फंसा था इधर इधर निकल गया यहाँ। इस पत्ती के देखो वो आगे वाली पत्ती इसमें इसमें इधर देखो यहाँ कह रहे तो यहाँ देखो हाँ तो हटाई दे दिया था।